तो दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का मैच हुआ, तो इस मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होता है तो उसमें किसको अवार्ड मिलता है तो उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप लोग एमएस धोनी के फैन हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। तो इस मैच को चेन्नई सुपर किंग ने आखिर ओवर में जीत लिया। तो पहला था अवार्ड नंबर 1 सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, जो इस मैच में कम गेंद खेलकर ज़्यादा रन बने हो रहे चिन्नाथला एमएस धोनी, उन्होंने 13 गेंद में 28 रन बनाए 215 के स्ट्राइक से। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक टाटा 5 का ट्रॉफी दिया गया। इस मैच में धोनी बहुत ही अच्छा खेले। अवार्ड नंबर 2 आते ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट लिया ड्रीम इलेवन में हो रहा है डेनियल सैम, जिन्होंने 118 पॉइंट लिया। उन्होंने 4 विकेट लिया 30 रन देकर। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक ड्रीम इलेवन का ट्रॉफी दिया गया। तो नेक्स्ट अवार्ड आता है अवार्ड नंबर 3 अन अकेडमी लेस क्रैकिंग सिक्सेस ऑफ द मैच, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हो रहे चेन्नई सुपर किंग के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अंबाती राइडो, जिन्होंने 3 छक्का मारे। उन्होंने इस मैच में 40 रन बनाए। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक अन अकेडमी का ट्रॉफी दिया गया। तो नेक्स्ट अवार्ड आता है अवार्ड नंबर 4 क्रेट पावर प्लेयर ऑफ द मैच, जो पावर प्ले में सबसे अच्छा गेंदबाजी की हो रहा है चेन्नई सुपर किंग का मुकेश चौधरी, जिन्होंने पावर प्ले में 3 विकेट लिया। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक ट्रॉफी दिया ग्रेट का। मुकेश चौधरी का इस सीजन का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। अवार्ड नंबर 5 आता है अपस्टॉक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द डे, जो अपस्टॉक में सबसे ज़्यादा अप पॉइंट ले हो रहे हैं मुकेश चौधरी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पहले 3 खिलाड़ियों को आउट किया डेवल ब्रेविस, ईशान किशन और रोहित शर्मा को। इसी की वजह से उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक ट्रॉफी दिया गया अपस्टॉक का। अवार्ड नंबर 6 आता है स्विगी इंस्टामार्ट फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द डे, जो सबसे तेज गेंद की इस मैच में हो रहा है राइली मेरेडिथ, जिन्होंने 145 किलोमीटर पर आवर गेंद किया अंबाती राइटू को। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक ट्रॉफी दिया गया स्विगी इंस्टामार्ट का। अवार्ड नंबर 7 आता है रुपये ऑन द गो फोर्स ऑफ द मैच, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा चौके लगाए हो रहे हैं तिलक वर्मा, जिन्होंने 3 चौके मारे। उन्होंने इस मैच में 53 रन रावत बने 41 गेंदों में। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और रुपये ऑन द गो फोर्स का ट्रॉफी दिया गया। तो आखिर में जो अवार्ड आता है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, इस मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच बने हो रहा है चेन्नई सुपर किंग के तेज गेंद मुकेश चौधरी। तो दोस्तों इस मैच में धोनी भी बेहतरीन खेला था, क्या धोनी को कमेंट मिलना चाहिए था मैंने तो आज कमेंट में बताइए। तो मुकेश चौधरी ने इस मैच में 19 रन देकर 3 विकेट लिए। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक ट्रॉफी दिया गया मैन ऑफ द मैच का। तो दोस्तों इस मैच को चेन्नई जीत लिया।